हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ। मेरी बातों की समझ तो आ रही है ना आप दोस्तों? जो नहीं बोल रहे उन्हें भी आ रही है ना? अल्लाह जज़ा दे। कहते लाखों का मजमा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा अल्लाह इतने लोग आए हैं, इनका हज कबूल भी हुआ है कि नहीं? फरमाते मैं सोच रहा था तो रात को ना ख्वाब में मैंने किसी कहने वाले को कहते हुए सुना कि सबका कबूल हो गया। बलख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून बलखी है, उसका हज कबूल नहीं। फरमाते शहरों के अलहदा अलहदे खेमे लगते थे। अब भी आप हज करने जाए तो पाकिस्तानियों की रिहायशें अलहदा होती हैं, इंडियन की अलहदा, बांग्लादेश के अलहदा, मिस्री, यमनी, सब लोग अलहदा अलहदा रहायशें होती, झंडे लगे होते हैं मुल्कों की। कहते मैंने सवेरे उठ के ढूंढना शुरू कर दिया, ढूंढता हूं वो बंदा मिले। कहते जहां बलख शहर के लोग रहते थे वहां चला गया। तो मैंने लोगों से पूछा तुम में मोहम्मद बिन हारून बलखी कौन है? लोग कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, परहेजगार है बड़ा, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते, वो तो बड़ा नेक है, परहेजगार आदमी। मैंने कहा अच्छा कहां है? उन्होंने कहा पहाड़ के पीछे उसने खेमा लगाया हुआ है, सारी रात इबादत करता है, सारा दिन रोजा रखता है, कायमुल लहल है, सायमुल दहर है। क्या बात? फरमाते मैं उन लोगों की बात सुन के हैरान हो गया कि मुझे क्या बताया गया, ये क्या कह रहे हैं। फरमाते मैं पहाड़ के पीछे गया। हजरत मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस शख्स को मुसल्ले पे बैठे देखा। कसरत इबादत के आसार उसके वजूद पर नजर आ रहे, सीधा बाजू उसका कटा हुआ था। फरमाते दो रखते मुकम्मल करके ना मैंने उसे अस्सलाम वालेकुम कहा तो मुझे कहने लगा वालेकुम सलाम, आप मालिक बिन दिनार है? मैंने कहा बड़ी इसकी फिरासत है। फरमाते फिर उसने ठंडी सांस ली, कहने लगा आपको ख्वाब आई होगी कि मेरा हज कबूल नहीं। फरमाते मुझ पर और बिजली गिरी कि क्या कह रहा। फरमाते मैंने कहा यार लोग भी तेरी तारीफ कर रहे हैं और तेरी बसीरत भी बड़ी है, तो ये माजरा क्या है? कहने लगा आप ना पूछे, ये कह के उसने रोना शुरू किया, देर तक रोता रहा। मैंने कहा नहीं यार तू बता। कहने लगा नहीं आप ना पूछे, आप नाराज होंगे। मैंने कहा मैं नहीं होता, तू बोल ना। कहने लगा हुजूर 24 साल हो गए मुझे हज करते हुए, 24 साल, 24वां हज है मेरा, और हर साल कोई अल्लाह का वली आके बताता है कि जा चला जा, तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, ते मंगतियां तख्त बिठावे, आजम किसे नु कारा मिलदा ही कोई काबे हो खाली आवे। कहते हैं उसने मुझे कहा हुजूर 24वां हज है, हर साल कोई बताता है। मैंने कहा तेरी गलती। कहने लगा मैं अपनी माँ का नाफरमान। मैंने कहा वाकया क्या हुआ? कहने लगा हजरत अल्लाह ने मुझे दौलत दी, माल दिया, जमीनें दी, तो मैं अय्याश हो गया। इमाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुझसे कहने लगा पैसे आए तो मैं अय्याश हो गया। रमजान का महीना था, असर के बाद मेरी अम्मा इफ्तारी की तैयारी कर रही थी, मैं गया, मैंने कहा शराब पी हुई अम्मा रोटी दे, तो अम्मा कहने लगी शर्म कर, शर्म कर, रोजा रखा नहीं तो जिन्होंने रखा है उनका तो ख्याल कर। कहते अम्मा की बात का मुझे गुस्सा लगा, मैं कहा करता हूं बदनसीब है वो बेटा जिसका बाप उससे बात करते हुए डरता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा, बदनसीब नहीं वो बेटा जिसकी माँ उससे बात करते हुए सहम जाती है कि पता नहीं कौन सी बोली बोलेगा, बदनसीब नहीं कि माँ बाप भी जिससे खोल के बात ना कर सके। हजरत मालिक बिन दिनार से कहने लगा अम्मा ने जब कहा ना शर्म कर तो मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को थप्पड़ मारा और मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिरी। लोगों ने मुझे पकड़ के अंदर बंद कर दिया कमरे में, सारी रात मैं शोर सुनता रहा पर नशे में धुत रहा। सवेरे आंख खुली तो मेरी बीवी बैग बांध रही थी, मैंने कहा कहां जा रही हो? कहने लगी जो माँ का नहीं बना मेरा कैसे बनेगा। तो मैंने कहा मेरी अम्मा का, वो तो लोगों ने रात को ही दफन कर दी जनाजा पढ़ के। तड़प के कहने लगा मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहते हैं लोग कहने लगे तेरी मरती हुई माँ कह गई थी इसे मेरा मुंह ना देखने देना।
मेरे जनाजे के करीब ना आए। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, जब उसने ये बात सुनाई तो मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने कहा तू इसी काबिल है। कहते हैं वो रोने लगा, हुजूर दुआ करे अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। कहने लगा जब माँ की इंतकाल की खबर मिली तो मैंने कुल्हाड़ी लेके वो हाथ काट दिया जिससे माँ को मारा था। मैंने सारी जायदादें खिरात कर दी। 24 साल हो गए, 24 साल सारी रात नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज करता हूँ, पर हर साल कोई आके कहता है जा दौड़ जा, तेरा कोई नहीं कबूल हुआ। हुजूर दुआ करे मालिक राजी हो जाए। फरमाते मैं थप्पड़ मार के आ गया। मैंने कहा तुझसे राजी हो जाए इतने जालिम से। इमाम मालिक फरमाते रात को आके सोया तो मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार हुआ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक तू उसे मायूस क्यों कर आया है, अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है। कहा हुजूर माँ के नाफरमान को माफी कैसे मिलेगी। तो इमाम मालिक फरमाने लगे नबी करीम ने फरमाया जा उसे जाके बता दे तुझे कयामत में तेरी माँ की वजह से बख्श दिया जाएगा। कहा हुजूर अम्मा की वजह से किस तरह। तो महबूब फरमाने लगे इसकी माँ कयामत में इसके खिलाफ मुकदमा दायर करेगी रब करीम की अदालत में। ए अल्लाह मैंने 9 माह पेट में रखा, दर्द सह के इसे जना, जिगर का खून पिला के पाला और इसी ने मुझे कत्ल किया। रब करीम इसकी माँ का मुकदमा सुन के कहेगा उठाओ इसको दोजख में फेंको, इसने माँ जलाई थी इसे भी जलाओ। महबूब फरमाने लगे जब पकड़ करके मालिक उसको मोहम्मद बिन हारून को लोग ले जाएंगे ना जहन्नम की तरफ, अभी फरिश्ते घसीटेंगे ही तो पलट के फिर अम्मा की तरफ देखेगा और दूसरी दफा फिर घसीटेंगे तो पलट के देखेगा और तीसरी दफा फिर पलट के कहेगा अम्मा ये मुझे जलाने लगे, अम्मा ये जहन्नम में फेंकने लगे। मेरे हबीब फरमाने लगे वो जल के मरने वाली माँ वहां भी बोल पड़ेगी, कहेगी या अल्लाह चल मैंने माफ किया तू भी माफ कर।